Hey guys, good evening. Sorry, good afternoon. तो मैं हो गई हूँ रेडी और मैं जाने वाली हूँ पार्लर. तो करवा चौथ है, प्लास्टर मेरा कट गया है, क्रैप बैंडेज लगाया है मैंने. तो पार्लर तो जाना ही है, तो फेशियल और हेयर कटिंग करना है मुझे. तो उसके लिए मुझे पार्लर जाना है. अपॉइंटमेंट मैंने 2 दिन पहले ही लिया था क्योंकि अभी इतना भीड़ चल रहा है. मैंने इवनिंग की अपॉइंटमेंट लेने के लिए फ़ोन किया था बट मुझे नहीं मिला. और अभी 2 बजे का टाइम है दिया है उन्होंने, तो मैं 2 बजे जाऊंगी. और हेयर कटिंग करवाना है, फेशियल करवाना है, तो 2 घंटे तो कहीं नहीं गए, 2 घंटे वहाँ स्पेंड करके आने वाली हूँ. तो इस तरीके से चल रही है मेरी करवा चौथ की तैयारी. और कपड़े वगैरह तो मेरे सारे हो गए हैं रेडी, क्योंकि ये जो फ्रैक्चर होने से पहले ही मैंने कपड़े जो थे ऑनलाइन मैंने मंगाया था, तो वो मैंने टेलर को दे दिया था सिलने के लिए, वो मेरा हो गया है रेडी. और कॉस्मेटिक्स वगैरह भी मैंने सब ऑनलाइन ऑर्डर किया है, वो भी आने वाले हैं 1-2 दिन में. हाँ, बस एक चीज़, मेरा जो चूड़ा मैंने ऑर्डर किया था वो कैंसिल हो गया है, तो मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा मार्केट. तो इस तरीके से मेरी सारी तैयारियाँ चल रही हैं. और जितनी हो गई है ठीक है, जितनी नहीं हुई है वो जाऊँगी मैं मार्केट, क्योंकि अंकित जी आज आ गए हैं टूर से, और इसलिए मैंने उन्होंने बोला करके आज जितना भी काम निपटाना है आज ही निपटाना है, तो मैं आज सारे काम निपटाऊँगी. और है पीहू का कल है इंटरव्यू LKG के लिए, तो जितने भी कॉन्वेंट स्कूल है उसमें इंटरव्यू के लिए भी जाना है हमें कल, तो उसका भी तैयारी आज ही हमें करना है. सारा डॉक्यूमेंटेशन जो भी है सारा, वो उसका अरेंजमेंट सारा तैयारी करना है. तो वही सब काम में हम लगे हुए हैं और आज बहुत ही बिजी शेड्यूल जाने वाला है हमारा. और चलिए फिर चलते हैं हम पार्लर. सो गाइस, देखिए मैं पहुंच गई हूँ पार्लर, और ये है पार्लर का फ्रंट लुक. तो इस तरीके से ये रिसेप्शन एरिया है. और अब हम चलते हैं अंदर. मैंने एक्चुअली, जैसा कि इनसे बात हुआ था मेरा फ़ोन पे, कि मुझे फेशियल और हेयर कटिंग दोनों का करना है, बट पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने मंडे का अपॉइंटमेंट मुझे दे दिया था जबकि मैंने उनसे संडे का कहा था. तो मैंने बोला कि अब मैं क्या करूँगी, कैसे करना है. तो उन्होंने, मैंने बोला कि कुछ तो करवा दीजिए, हेयर कटिंग करवा दीजिए. तो फिर फाइनली उन्होंने बोला फेशियल तो नहीं हो पाएगा बट हेयर कटिंग हो जाएगा, तो वो हेयर कटिंग मेरा करवा दे रहे हैं. फेशियल के लिए मैं फिर से दोबारा बाद में जाऊँगी, मंडे को तो नहीं जा सकती क्योंकि पीहू का जो स्कूल है, मतलब स्कूल नहीं, मीन्स एडमिशन प्रोसेस जो है, इंटरव्यू है उसका, तो उसके लिए उसको मुझे पूरा प्रिपेयर करवाना है, सब करवाना है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती थी मंडे को. तो मैंने हेयर कटिंग ही करवा लिया और फेशियल बाद में कराऊंगी. ये देखिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे. एक्चुअली मैं पहले आई थी तब मैंने ओनली थ्रेडिंग करवाया था, और ये मेरा सेकंड टाइम है यहाँ पे, सेकंड एक्सपीरियंस है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे. और ये न्यू पार्लर है यहाँ पे, तो इनका मेंबरशिप कार्ड मैंने दिया है 1 ईयर का. तो इसमें ये क्या है, काफ़ी चीज़ें फ्री दे रहे हैं, मतलब कार्ड भी बहुत अच्छा है, मतलब काफ़ी रिजनेबल रेट में इन्होंने कार्ड बनाया है 1 ईयर का. और काफ़ी कुछ ये उस कार्ड के थ्रू हमें प्रोवाइड हो रहा है. तो इसमें हमें अभी वो मेरा कूपन जो लग रहा था, बस कूपन के थ्रू मैंने हेयर कटिंग करवाया, तो काफ़ी अच्छा, मतलब इनके जो स्टाफ है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, वेल मैनर्ड हैं, तो सारा चीज़ अच्छा लगा. आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब इनका जो है अंदर का इंटीरियर बहुत अच्छा है. मतलब यहाँ जाओ तो आप रिलैक्स हो जाओगे अच्छे से. और काफ़ी अच्छा चीज़ लगा हेयर कटिंग, मुझे अपना न्यू लुक भी काफ़ी अच्छा लगा. सो ये है मेरा करवा चौथ वाला लुक. इस बार इस तरीके का कुछ मैंने लुक लिया है, और देखती हूँ आगे और भी है मुझे. एक्चुअली है ना, ये हमें दो हेयर कटिंग और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, मतलब. तो ये फर्स्ट हेयर कटिंग लिया, 2 हेयर कटिंग फ्री मिल रहा है मुझे कूपन के थ्रू. तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है हेयर कटिंग का इनके साथ, और अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा लगा हेयर कटिंग जो था मेरा, मैं सेटिस्फाइड थी.
और आप देख सकते हो जैसे कि कितना अच्छे से ये कर रहे हैं हेयर कटिंग। मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगे होंगे 40-45 मिनट्स लग गए होंगे ये हेयर कटिंग करवाने के लिए। मैं और पार्लर में गई हूँ, हेयर कटिंग वो मुश्किल से हार्डली 10-15 मिनट्स में हेयर कटिंग कर देते हैं, बट यहाँ मुझे इतना अच्छे से हेयर कटिंग प्रोवाइड हुआ कि मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हो गई हूँ। और आप देख ही रहे हो कि लुक मेरा, जब फाइनल लुक आप देखोगे तो पता चलेगा कि बहुत अच्छा आया। इन्होंने मैंने इन्हें जैसे बोला था कि मेरा लेंथ ज़्यादा नहीं लीजिएगा, बट ये है कि जो हेयर का वॉल्यूम है वो थोड़ा दिखे, क्योंकि क्या हेयर जो अनइवन हो गए थे, थोड़े बढ़ गए थे तो छोटे बड़े, तो उससे क्या है वॉल्यूम उस हेयर में नहीं आ रहा था लुक में। तो अभी इन्होंने जैसे हेयर कटिंग की उससे मेरे हेयर में वॉल्यूम भी मुझे थोड़ा सा दिख रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगा लुक। और स्टाफ तो मैं सेटिस्फाइड हूँ स्टाफ के काम से भी। और ये देखिए ये मेरा फाइनल लुक आ चुका है, थोड़ा बहुत ट्रिमिंग कर रहे हैं और हेयर कॉम करके इन्होंने मुझे बता दिया कि किस तरीके से कॉम करना है आगे भी मुझे घर में जाकर। तो काफ़ी अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस और हैप्पी हूँ मैं अपने लुक से। और कुछ कुछ जो लुक है वो वाला लुक मुझे फील हो रहा था, वो प्रियंका चोपड़ा का जो लुक है देसी गर्ल वो दोस्ताना मूवी में, हाँ तो वो वाला जो लुक था ना प्रियंका चोपड़ा का, वैसा ही हेयर स्टाइल जो लग रहा था मुझे अपना उसी टाइप का लग रहा है, तो मुझे मेरे ऊपर शूट कर रहा था मुझे लग रहा है ये हेयर स्टाइल, तो काफ़ी अच्छा है। और आप भी बाकी देख रहे हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स कर कर ज़रूर बताइएगा ना कैसा लग रहा है ये मेरा न्यू लुक। और ये देखिए ये है मेरा फाइनल लुक, हो गया है मेरा कटिंग ओवर और वो कॉम करके मुझे बता रहे हैं। सो गाइस मेरा हेयर कटिंग हो गया है, मैं आ गई हूँ घर। हेयर कटिंग ओनली हुआ, एक्चुअली उन्होंने कुछ मिस्टेक हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, जो अपॉइंटमेंट मेरा संडे का था वो मंडे को कर दिया उन्होंने, और मंडे को मैं जा नहीं सकती 2 बजे। तो उन्होंने बोला एक काम कर सकते हैं कि आपका हेयर कटिंग कर देते हैं, तो बस वही करवा के मैं आई हूँ। और मुझे अपना लुक अच्छा लग रहा है, न्यू लुक। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और जल्दी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। करवा चौथ की तैयारी तो चल ही रही है, अभी शाम को जाएंगे हम मार्केट सारी तैयारियाँ करने के लिए। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, और प्लीज़ कमेंट्स कर कर बताइएगा कैसा लगा मेरा नया हेयर स्टाइल। तो बाय, ठीक है, टेक केयर, जल्दी मिलती हूँ।